हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वैकेंसी की अपडेट। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, जिसका आवेदन यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर 2019 से। तो दोस्तों, क्या इसकी जो है योग्यता रहेगी, कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और जब भी कोई नई अपडेट आती है या कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसकी नोटिफिकेशन की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं स्मार्ट नौकरी चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस भर्ती के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चीज़ ये कि टोटल जो आपकी पोस्ट है वो है 1847। जी हाँ दोस्तों, 1847 पोस्ट के लिए जो है आपको आवेदन जारी किया गया है। और जो आवेदन का स्टार्ट है वो आज से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसमें बात करें पद के नाम के, तो सबसे पहला पद जो आपका यानी पोस्ट है वो है जिला पुलिस सिपाही चालक, जिसमें 1019 पोस्ट हैं। और जो नंबर दो पे है वो है लोह मार्ग पुलिस सिपाही चालक, और तीन है राज्य राखीव पुलिस। दोस्तों, अगर मैं आपको हिंदी, ये तो मराठी सब्जेक्ट है, अगर आपको मैं इंग्लिश में बता दूं ताकि आपको और आसानी रहे समझने में, तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, जिसके लिए पोस्ट है टोटल वैकेंसी 1019। नंबर दो है रेलवे पब्लिक पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर। नंबर तीन है आपका SRPF आर्म पुलिस कांस्टेबल। इस प्रकार टोटल जो पोस्ट है वो है आपके पास 1847। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास होना है यहाँ पे, यानी 12th स्टैंडर्ड अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर नंबर दो की पोस्ट की बात करें तो SRPF के लिए भी आपको जो है 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। फिजिकल की बात कर लेते हैं, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट की बात करें, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल वालों की, और 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर जो है विदाउट एक्सपांडेड जो है आपका चेस्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों, तो 31 दिसंबर 2019 तक आपकी जो एज है उसकी गणना की जाएगी, और मैक्सिमम एज जो है आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है SRPF के लिए वो है 25 वर्ष। तो ये दो कैटेगरी है, इसमें अलग अलग आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भरते हैं तो आपको 19 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, 5 वर्ष की छूट मिलेगी जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स हैं, और 18 से 25 वाले जो SRPF हैं उसमें भी दोस्तों आपको छूट दी जाएगी अगर आप कैटेगरी से हैं। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो ऑल और जो पूरे राज्य है यानी महाराष्ट्र राज्य में आपको कहीं पर भी जॉब के लिए जो है दिया जा सकता है। और फ्री कैटेगरी जो है आपका फीस का, उसकी बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 450 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 350 रुपये है। लास्ट डेट जो दी गई है वो है 22 दिसंबर 2019 11:59 यानी कि रात के आप जो है 22 तारीख तक 12 बजे से पहले तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है फॉर्म भरने में या फिर कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।